हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अखिलेश की हेल्पलाइन पर लगा ग्रहण, पत्रकारों की मदद के लिए शुरू की थी हेल्पलाइन, 4 साल बाद हेल्पलाइन अब वजूद में नहीं। यूपी में लगातार पत्रकारों पर प्रशासन की जा रही कार्रवाई को लेकर चौतरफा आलोचना हो रही है। मिर्जापुर के एक सरकारी स्कूल में नमक रोटी खा रहे बच्चों पर स्टोरी करने के लिए पत्रकार पर हुई एफआईआर के बाद मामलों की बाढ़ सी आ गई है। वैसे देखा जाए तो यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों की माने तो देश में पत्रकारों के साथ हिंसा और मारपीट के मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। एलसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक ही यहाँ पिछले 6 सालों में पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा के लगभग 70 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस दौरान कई पत्रकारों की मौत भी हुई है। पत्रकारों पर इतने हमलों के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश के दौरान पत्रकारों पर इतने हमले के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व के दौरान पत्रकारों की मदद के लिए शुरू हुई हेल्पलाइन नंबर योजना बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि पत्रकारों पर हमले की वजह से ही साल 2016 में अखिलेश सरकार को उनकी मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करनी पड़ी थी। मीडिया के लिए शुरू हुई इस हेल्पलाइन 1-800-1800-303 का उद्देश्य पत्रकारों को सुरक्षा और संरक्षण देना था। इस हेल्पलाइन को शुरू करने के पीछे अखिलेश का मकसद पत्रकारों को हर संभव मदद देना था। इसके लिए हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई सामान्य शिकायतों को 1 सप्ताह में, अर्जेंट 72 घंटे में और मोस्ट अर्जेंट मामलों को 24 घंटे में समाधान कराने की कार्रवाई तय की गई थी। उस वक्त अखिलेश की कोशिश ये भी थी कि जो सुदूर इलाकों के पत्रकार हैं उनको अपनी हर समस्या के लिए लखनऊ नहीं आना पड़े। इस हेल्पलाइन के जरिए उनकी समस्याओं का निदान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी करेंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को समाचार कलेक्ट करने में होने वाली असुविधाओं का समाधान कराने, शासन और प्रशासन के बीच मीडिया कर्मियों से बेहतर तालमेल बनाने में सूचना विभाग को दायित्व सौंपा था। ये कोशिश थी पत्रकारों के दिल में सरकार के लिए भरोसे को कायम करने की। अखिलेश के प्रयासों की वजह से उत्तर प्रदेश पत्रकारों के लिए कोई हेल्पलाइन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया था। इस हेल्पलाइन को लागू करने का जिम्मा राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को दिया गया था, लेकिन 4 साल बाद यह हेल्पलाइन अब वजूद में ही नहीं है। खैर, अब जबकि हेल्पलाइन वजूद में नहीं है, सपा की योगी सरकार की नीति पर स्टैंड क्लियर है। वो मानकर चल रही है ये पार्टी जनता के लिए चलाई गई स्कीम को सही तरीके से नहीं चला पा रही है। प्रदेश में लोकतंत्र ही नहीं है, उन्होंने पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन शुरू की, लेकिन इस सरकार ने पत्रकारों को ही धमकाना शुरू कर दिया है।